आज का हमारा दिन शुरू हुआ है बेंगलोर एयरपोर्ट पर, शायद ख़त्म भी यहीं हो जाएगा आज। मतलब इतना टफ रहा, हमारी फ़्लाइट थी 7 बजे की और दिल्ली में इतना जाम था। नोएडा से जब हम दिल्ली आए, हमारा बोर्डिंग गेट क्लोज होना था 6:30 पे और हम एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे 6:25 पे। 6:25 पे हमने एंट्री करी, फिर एक वहाँ पे भाई मिल गए, इंडिगो में ही काम कर रहे थे, उन्होंने पहचाना। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे लेट हो रहे हैं, हम फटाफट करवा दो। वो तो अच्छा हुआ कि जो बैग था, कैबिन बैग ले रहा था, ट्रॉली जो अंदर ही चला जा रहा, नहीं तो भाई अगर ज़्यादा बैग होते या हमारे पास किसी के भी पास बड़ा बैग होता तो भाई फिर तो बैग चेक इन कराने में ही मुझे नहीं लग रहा था हम फ्लाइट कर ले पाते। मतलब जैसे ही मैं पहुंचा ना गेट पे, मैं क्या, हम सारे ही जो हमारे साथ बाकी लोग आए ये भी हमारा वेट कर रहे, तो जैसे ही मैं गेट के बाहर पहुंचा, बस मैं आखिरी 3 बंदे हम ही चढ़े प्लेन के लिए। कहाँ गए बाकी लोग, किधर गए? बस जब तक मैं एक बार ये कोक फिनिश कर दूँ तब तक इसे राइड कर लो तुम। कोई नहीं खा लूँगा। अरे जवान लड़का है वो, कैसा एक्सपीरियंस राज? और आज वो कह रहे हैं ना गरीब भी माट्टा गिल्ला, इसका बैग किसी और ने पैक करा, उसमें माइक अलग रख रखा, एक छाता अलग रख रखा, वो सिक्योरिटी में 3 बार बैग वापस गया। मगर आज तो फिर तो मैं एंड में ही सोच लिया था कोई नहीं, बस मैं अपनी यार इसकी दोबारा कर लूंगा फ्लाइट बुक, बाकी लोग चले जाएंगे। मुझे भी बैम हो गया था। हमेशा सिक्योरिटी में जब टाइम हो ना तब तो कुछ नहीं होता, तब तो आराम से हो जाएगी, और जैसे कि आपको जल्दी हो ना सिक्योरिटी में, कभी ये फंसेगा, कभी वो फंसेगा, कभी बैग नहीं आगे को चलने के। ताऊ जी बोले रहे थे पिस्टल का क्या बोल रहे हैं उसे, होलिस्टर, वो कवर सा जो हो। हाँ, अब जब उसने रोका बैग और वो होलिस्टर निकला, मुझे यूं हो गया, मैं कहा यार यहाँ फजीता ना हो जाओ, और ये यूं कहीं जा नहीं सकता, ये है वो है, इस चक्कर में इनका फोन भी गिर गया, एक तरफ से टूट भी गया। मैं फिर अगली 1 घंटे बाद की फ्लाइट के प्राइस चेक ही कर लिए थे मैंने, मगर कोई नहीं अब अगली में ही जाएंगे। खैर अब पहुंच गए हम बेंगलोर एयरपोर्ट, हमने खाना वाना भी खा लिया, अभी यहाँ से हमारी 1.5-2 घंटे की जर्नी है आगे की। भाई रे 1 घंटा वेट करने के बाद आई गई ऊबर अपनी। चलो भैया ये तो हमें जो कैब भी मिली भाई, आज ही सुबह सुबह पूजा करवा के लाया भाई, तो बहुत बढ़िया भाई, हमारे से ही हो रही है बोनी, वैसे होगी होगी आज पूरे दिन तो चलाई होगी। हम लोगों ने होटल में कल रात चेक इन किया 2 बजे और सुबह 6 बजे तक जगे हम, क्योंकि जहाँ मैं आज जाके शूट करना वहाँ के कुछ आइडियाज निकाल रहे थे। और वापस ये लोग तो सब सुबह 10 बजे उठ गए थे, मैं उठा 11:30 बजे और तब तक जो बुफे था नीचे ब्रेकफास्ट वो हट गया, 11 बजे ही हट गया था वो, तो मैं तो उसके भी आधे घंटे बाद उठा, तो अभी जस्ट मैं नहा के निकला तो मैं ब्रेकफास्ट मंगाया। मुझे वैसे कपड़े तो चेंज करने थे पर मैं यार ऐसा हो जाए, मेरी किस्मत ऐसी है कि खत्ते हुए जरूर गिर जाएगा उन कपड़ों पर अगर मैं अभी पहन लूँ जो शूट के लिए चाहिए। होटल वाले ऑफर तो बहुत कुछ कर रहे हैं, सिजलर, पूल साइड बारबेक्यू, 24 आवर्स कॉफी शॉप, वही हम तो घूम फिर के उस पर आ जाए, शायद ये ब्रेड है, डोसा है और ये फ्रूट प्लेटर। लिफ्ट से जाना पड़ेगा क्या एक फ्लोर भी? नहीं पैदल चल लेते हैं। किस टाइम जाने वाले थे आज हम? 7 बजे। और क्या टाइम हो रहा? बस 12 बजे, 5 घंटे गए दोपहर के। और अभी हमें जो एग्जैक्ट शूट की लोकेशन पे जाना वो भी यहाँ से लगभग 1 घंटा दूर है, तो हमारे पास शूट करने के बजे हैं 4 घंटे। लेकिन हम वो अच्छा हो किया कि हम रात जग के हमने प्रिपेयर कर लिया, अब हम 4 घंटे भी 2 घंटे में निपटा देंगे। हमारे उधर इतनी ज्यादा यैपिंग है ना फालतू की, यहाँ खुद से ही सफाई है दुनिया भर की, हमारे वाले तो यैपर्स यूं कर देंगे वो कर देंगे, कर कुछ रहे नहीं। ये रेलवे स्टेशन है बताओ साइड में भाई, है कुछ तो लैंडस्केप है, कुछ तो है साउथ इंडिया के अंदर। एक तो यहाँ से ऐसा दिखा है कि सूरज इतना पास दिखा है, ऐसा लगे बिल्कुल यहीं बराबर में उगता होगा। और यहाँ पे कृष्णा कैफे कर गए, यहाँ पे अभी रुके हैं, मतलब हमारा मन नहीं था बट इनका मन है, ये बेचारे हमारा वेट कर रहे थे सुबह से वहाँ, तो ये भूखे, हम बार बार मना कर रहे हैं हमें नहीं खाना, हम ये भूल गए कि नहीं खाना भाई यहाँ चीजें हैं तो देख एस्थेटिक थोड़ी थोड़ी, और जबकि ये बहुत मैसूर से भी बहुत ऑफ बीट जगह है ये। और यहाँ पे यार मुझे ट्रैफिक भी थोड़ा कम लगा, मतलब बैंगलोर में तो था वो ट्रैफिक, जैसे ही हम बैंगलोर से निकले ना अब जब मैसूर आए और उससे अब जब आगे जा रहे हैं तो ट्रैफिक भी बहुत कम है, जिस हिसाब से हम कल दिल्ली नोएडा के जाम से आए फिर बैंगलोर के जाम से आए, और जानवर भी बड़े खुले खुले से घूम रहे यार अपने मालिक के साथ। लेकिन मुझे पुरानी यूपी वाली वाइब आ रही है। पिछली बार जब सुधाकर जी आए थे हमने नोएडा कैसे दिखाया था और इन्होंने कैसे दिखाया बेंगलुरु, आप जब आए थे सुधाकर जी नोएडा तो आपको क्या क्या चेंजेस लगे थे यहाँ से वहाँ पर? वहाँ बहुत डिफरेंट है, अच्छा लगा था हमारे नोएडा, अच्छा है लेकिन वेदर थोड़ा सही था। हाँ हम जब से आए हम यहाँ की तारीफ ही कर रहे हैं वैसे। दोस्तों खोज में हम सुधाकर जी के गाँव में आ गए, देख रहे हैं कौन कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल हो रही है, और मैंने सुना है कि वीकेंड पे यहाँ पे लोग ऑफलाइन खरीदने भी आते हैं। यहाँ पे कितने लोग आते हैं वीकेंड के टाइम सुधाकर जी? सरोज जोशी की फोटो लग रही थी, पूरा ट्रैफिक हो जाती है अभी ने। ये रहा ना सरोज जोशी, ये फरूख खान का है। इतने नारियल कौन खा रहा है यहाँ पे, खाते हो आप लोग? और वो हो गए नारियल चिप्स होंगे आप लोगों के पास? अभी तो सारा तेल में डाल दिया, अभी वही, अभी चिप्स नहीं है, अभी तेल लेना हो तो बताओ। वैसे तो हम लोगों ने
होटल 2 दिन का किया हुआ था, पर मुझे पता नहीं था। मेरा मन किया कि यार रात को यहाँ से पहले होटल जाएंगे, घंटा वहाँ से 3 घंटे बाद बेंगलोर जाएंगे। मैंने कहा अब रात को वहाँ पे होटल में नहीं रुकते, सीधा वहाँ से सामान उठा के बेंगलोर तक पहुँच रहे हैं। रात की फ़्लाइट कर दी मैंने 4 बजे की, बल्कि महंगी हुई, मतलब 15-20 हज़ार रुपये का फ़र्क था टोटल टिकट पर। पर मैंने कहा यार नींद प्यारी है, जैसा मैं कल फंसा था मुझे ही पता कि हम दिल्ली के जाम में कैसे फंसे थे कल। तो बढ़िया, सुबह 7:30-8 बजे लैंड होगी फ्लाइट और हम अपना 45-50 मिनट में नोएडा। वही सेम फ्लाइट से अगर हम शाम को जाएंगे तो 2 घंटे लगे नोएडा जाने में, और पूरा दिन भी ख़राब होगा। फिर यहाँ पहले होटल जाके सो, फिर उठो, फिर अजीब से मूड से मैं हो गए एयरपोर्ट की तरफ को जाओ। तुमने समझदारी बहुत अच्छी दिखाई। वही पैसा फेंक तमाशा देख, अमीर की दुनिया है अभिषेक भाई, अमीर की दुनिया है। हुआ नहीं मैं अमीर, लेकिन दुनिया अमीर की है। ये 10-15 हज़ार रुपए जितने ही अमीर हूँ बस मैं। हमारे साथ वाले दूसरी गाड़ी मारे, पता नहीं कहाँ चले गए। हम तो यहाँ से रेस्टोरेंट पर रुक गए थे मैं कुछ खाने के लिए। अब मेरा मन नहीं है कि हम बेंगलोर में जाएं कुछ खाने, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक मिलेगा रात में भी। तो हम सोच रहे हैं यहाँ मैसूर से खा के ही निकले, पेट भर के एक बार में ही, और फिर ज़्यादा रात को मन भी नहीं करता। बताओ मेन्यू सामने लगा रखा, चाइनीज कॉम्बो क्या खाना चीज़, मतलब ये भी पूछने की जरूरत नहीं कैसा दिखेगा, दिख रहा सामने ऐसा दिखेगा। आज कुछ यहाँ का लोकल खिलवा, जैसे पहाड़ी लोकल मैगी खिलवाते हैं ना, आप यहाँ के लोकल चाइनीज फूड खिलवा दो। वैसे डोसा सुबह खा लिया था, डोसा का मन भी नहीं। साउथ इंडिया जाऊंगी, डोसा खाऊंगी। खाने के टाइम पे क्यों स्टार्ट कर ले तुम लोग? रिकॉर्ड रखूं भाई मैं, फोन क्या क्या खराब, बाद में मना ना करता मुझे बुक कर रखा करने दे। होटल वापस आ गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका इंटीरियर डिजाइनर ना कोई बंगालनी होगी। वही है होटल आए तो भाई कहना कोई रील भी शूट करी लो, जिससे लगे कि भाई इनका तो होटलों में आना जाना रहे भाई। ये तो भाई बहुत होटलों में रुके हैं भाई, ये तो बहुत अमीर लोग हैं भाई, इनसे तो दूर ही रहना पड़ेगा भाई, गेट क्यों नहीं खुला है। सबका मिडिल क्लास घर से होने का यही दिक्कत है यार, सब सिखाना पड़ता है। हाँ यही तो बात है, बस खुला नहीं है, बस बस यही बात है बड़े भाई, ये लोग मैं कुछ भी बोलूंगा यही बात है भाई। अब अक्षय दूर है थोड़ी देर, ये क्लिप जाएगी 10 मिनट लंबा हो सकता है, ये हो गया 20 सेकंड। तो ये लाठी चार्ज वो न्यूज़पेपर आ गया क्या? वहां पे इंदिरा गांधी का मीम आ रहा, उस पे लिखा हसीना यू नूब। अच्छा इमरजेंसी वाला। हाँ अरे बहुत अनस्टेबल है बांग्लादेश ऑलरेडी, पूरा देश ही अनस्टेबल है। मोदी मोदी वही इंटीग्रेट होएगा बीजेपी, इंटीग्रेशन होएगा बीजेपी का। नहीं भाई मैं किसी का नहीं करता, मैंने अपना अकाउंट, मैं तो कट्टर विरोधी हूँ अब तो मैं बीजेपी का। मैं क्या बोल रहा, मैंने अपना अकाउंट लिंक कर रखा है बीजेपी वाले खाते में। थोड़े कम आए हैं भाई, एक ट्वीट मारना पड़ेगा केवाईसी करवा रखी भाई हमारे जाने के बाद भी। ये रूम वूम में ये बिना मतलब लाए हम कपड़ों का बैग, तो मतलब जिस आउटफिट में मुझे शूट करना था वो ले आते एक थैले में, वो भी पन्नी में लगते, ये इतने बड़े बड़े बैग ले गए। क्योंकि लेकिन हमें ये था यार यहाँ ना बारिश बहुत हो रही थी, हम 2-3 दिन के प्लान आए थे, बट शूट हमारा आज ही खत्म हो गया। फिर मैंने तुरंत ही फ्लाइट कर ली, फ्लाइट हमारी 4 बजे की, अभी बज रहे हैं लगभग 11:15 और यहाँ से जाने में 3 घंटे लगेंगे, मतलब वही 1.5 घंटा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जाट के वाले हर जगह एक्टिव रहते हैं, तो जाट के वाले कल रात से एक्टिव है। आ जाओ जाट, भाई एक जाट बाहर रहेगा, आ जाओ जाट महासभा से बाहर नहीं रहने का कोई भी जाट। ये होटल काफी पुराना, इसके बाथरूम से पता लगे ये बात। फ्लश में देखी वो कैसी, वही गोल घुमानी पड़े फ्लश में, तो मुझे पूरा मैथ लगा रही है। बाय बाय मैसूर, ठीक 18 घंटे प्यार देने के लिए हमने बहुत टाइम वेट करा। हमने इस बार में ऑफलाइन कैब करी, उबर से नहीं करी, तो ये 10 मिनट कह के 1 घंटे में आए। आज फिर वही काम होने वाला फ्लाइट का, यहाँ से जाएगी जाएगी, मैं एक हाथ से नहीं कर पाने का ना शूट भी तो करें। ये करेंगे आगे किंग, वही कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपनी नींद। ग्रुप में जो नया शामिल हो सैक्रिफाइस करने पड़ते, ग्रुप में नया हूँ, बैग कहाँ पे रखूँ भाई, कहीं नहीं, बस पिछली सीट पे बैठ जा। अभी हमारी रिटर्न फ्लाइट है आकाश एयर की, और अभी हमें पता चला है कि इनके 2 ईयर कम्प्लीट हो गए, और इन्होंने फ्री में हमारे से फोटो भी खिंचा ली। क्या डाल लोगे इंस्टा पेज पे डालोगे आकाशा के? तो मैं कह रहा हूँ अगली फ्लाइट फिर हमें फ्री देना भाई आकाशा से। गेट पे एक आदमी के बैठने की जगह नहीं, और ये किंग देखो 3 सीट पे सो रहे एक साथ, डब्ल्यू है लाइफ में। आज पहली बार बोर्डिंग की लाइन में सबसे आगे खड़े, अपनी ट्रे पे लैपटॉप फोन वोन रख के बैठे हम, ताकि लोगों को लगे कि भाई बड़े पढ़े लिखे समझदार अमीर लोग हैं। आए तो इकोनॉमी में सबसे सस्ती वाली में, पर वैसे व्यापार तगड़ा, अभी नए नए उठे शुरू हुई है अभी हमारी, अभी पैसे कमाए। अच्छा लगे हमेशा ना अत ही फ्लाइट उठने से पहले ट्रे खोल के थोड़ी देर लैपटॉप फोन चला देना चाहिए, और जैसे ही फिर वापस ये साइन बंद हो ना सीट बेल्ट वाला, फिर वहाँ पर ट्रे खोल लो, फिर रख लो, कुछ ही करते रहो, पर दिखना चाहिए सबको आते जाते वालों को। लोगों आदमी इतना व्यस्त है साला, हवा में भी काम कर रहा। आजा आजा तुझे एक सीट रहा पिछले 5 साल, वीर का है तो वीर का
आज तो सारे काम इतने जल्दी हुए, दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होते ही बेल्ट पे बाद में बैग पहले आगे बेल्ट पे, नहीं तो मैं यहाँ हमेशा वेट करा बेल्ट का। आ गया अपने घर वापस और अब लग रहा कि अब सो पाऊंगा। होटल हमने दो दिन का किया हुआ था और उसमें सोए हम 2 घंटे भी नहीं अच्छे से, और पिछले 24 घंटे से तो जगी रहे ले ली, लेकिन लोंडो ने तो नींद गाड़ी में भी। अच्छा वो जो तुम 1 बजे उठे थे उसका क्या मतलब? वो तो मैं पहले दिन भी तो लेकिन सोया तो बहुत लेट था ना, सारे काम निपटा के, लेकिन पिछले 24 घंटे से तो वो जो हूँ जाग ही रहा हूँ। मुझे अपने आप को सिग्मा दिखाने में मजा आता है कि सोया नहीं। अच्छी आदत छोड़ गया भाई, सोता नहीं भाई, इसमें बहुत दम होगा भाई, इसमें तो बहुत माल भरा हुआ होगा। तो अभी ना मैं यहाँ पर दिल्ली आया था कुछ शॉपिंग करने के लिए, एक इवेंट के लिए, बट अब रात में 10:30 बज रहे और मैं वापस जा रहा था, तो मुझे पता लगा वहाँ पे फ्लैट पे भी कोई भी नहीं है। मैं सोच रहा यही कर लेता हूँ, अब यही से क्या मतलब है वो बताता हूँ क्या। तो मैं हूँ यहाँ PVR प्रिया पे। अब ये PVR प्रिया क्या है, यहाँ पर ये बताया जाता है रियल IMAX मूवीज़ दिखाई जाती है। तो अभी 10:55 का डेडपूल का शो है। वैसे तो मैं एक बार डेडपूल लक्ष्य के साथ और बड़े भाई के साथ जाके देख चुका, बट आज देखता हूँ क्यों तारीफ करें लोग बाग इसकी, इतनी अच्छा IMAX है यहाँ पे। और वैसे तो ये हमारे फ्लैट से 1 घंटा दूर है, बट अगर यहाँ मज़ा है ना वो मूवी देखने में, तो अगली बार से बस यहीं आया जा मूवी देखने में। वो तो मैं तुम्हें थोड़ा बताऊँगा कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस है कैसा नहीं, बट इसकी तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ। PVR 1990 से है यहाँ पर। PVR का मतलब ये प्रिया विलेज रोड शो, तो ये सबसे पुराना है शायद यहाँ पर ओरिजिनल, और यहाँ पे दिखाया हुआ ये 1990 में ऐसा था, 2000 में ऐसा हुआ, फिर 2020 में ऐसा हुआ, और अब ऐसा है। थोड़ा सा ये वाला इनका लेगेसी का, देखो कितना सुंदर बनाया हुआ। बाकी तो मुझे थोड़ा यहाँ पर बस एक्सपीरियंस लेना कैसा है कैसा नहीं, IMAX बेटर है यहाँ पर क्या, 1 घंटा खर्च करके हम यहाँ, हमें यहाँ पे IMAX मूवी आके देखनी चाहिए या फिर वहाँ नोएडा में ठीक है। यहाँ का इंटीरियर देखो, क्वालिटी खराब है मुझे पता है लेकिन फोन की, बट पुराना मैच देख ले जैसे। वही क्या तगड़ा एक्सपीरियंस है, मतलब मस्त IMAX है एकदम। अब पता नहीं नोएडा वाले में ऐसा क्यों नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारे सीन्स ऐसे जो स्पेसिफिक रियल IMAX में ही है वो ही थे। एक दो सीन्स में अच्छा खासा 3D था, जो हम दूसरे IMAX में देख के आए थे वहाँ पे नहीं था ऐसा, बट यहाँ पे बढ़िया है। और ऊपर से ये 4K लेजर प्रोजेक्टर है, तो मतलब और शार्पनेस थी, बड़ी स्क्रीन थी, मजा ही आ गया भाई। हाँ एक चीज मैं कहूँगा, अगर कोई भी IMAX मूवी देखने आ रहा हो तो यहीं आओ, अगर तुम्हारे पास है तो सीट तुम ले सकते हो, या तो मिडल रो या नीचे वाली बीच में ले लेना, मतलब थोड़ा सामने से देखने में मजा है स्क्रीन को, ऊपर सबसे ऊपर ले लोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है। और मैं शायद 10वें दिन आया तो यहाँ पे टिकट भी ऐसा कुछ महंगा नहीं था, 250 का टिकट था। पहले दिन आओगे तो वही टिकट 1000 रुपये का है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर डे, नोबडीज एट होम। नोबडी से मेरा मतलब है कि सिर्फ रचित है। रचित पता कौन से टाइम जोन पर काम कर रहा? नाइट शिफ्ट होती है लगभग 6-7 बजे से 2-3-4 बजे तक, और मॉर्निंग शिफ्ट तो वही नॉर्मल 8-9-10 बजे से 5-6-7-8-9 तक। लेकिन रचित की जो शिफ्ट है वो खत्म होती है 11 बजे के आसपास, मे बी 10:30-11, और उसके बाद उसकी नई शिफ्ट शुरू होगी कहीं इस समय जाके। तो मतलब नाइट शिफ्ट को भी और थोड़ा सा घुमा दो ना, तो उस शिफ्ट में काम करे रचित। लेकिन उसकी स्किल्स इतनी रिफाइंड है कि हर किसी को अपना टाइम उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़े। मेरा AC फिल्टर तो गंदा था ही, साथ में ही लॉबी वाला फिल्टर देखा तो भाई साहब 20-25 दिन में क्या हालत हो जाए यार यहाँ फिल्टर की। ये तो बीच जने से भी कम हवा दे रहा होगा। यो, जितना काम मैंने आज करा, अगर मैं डेली इसी तरह काम करने लगू ना, तो वो समय दूर नहीं जब मैं भी पहाड़ों पे फेक शिलाजीत बेचा करूंगा। सच में आज का दिन बहुत कम प्रोडक्टिव था, फिर मैं भी शिलाजीत को खींच खींच के दिखाया करूंगा, देखो जी ओरिजिनल वाली है। और जितने लोग भी ये कहे ना कि जॉब छोड़ के वो क्रिएटर बनेंगे, वीडियोस बनाएंगे, ये देखो रात के 12 बज रहे हैं और ये है लाइफ। क्या देखा तुमने बाहर की दुनिया में आज? रचित ने कभी ग्रास टच नहीं करी होगी अपनी लाइफ में। क्या मतलब बाहर की दुनिया? मुझे लगे अगर तू घास पे नंगे पैर चल दे तो तू पागल हो जाएगा, भाग पड़ेगा। आज हमारे शूट का है Day 3, मतलब शूट का Day 2 है, बट इस सब में घुसे हुए हमारा Day 3 है। तो आज हमारा शूट नोएडा में ही है। बड़ी बढ़िया नींद वींद लेने के बाद हमने सब लोगों को टाइम दे रखा था 2 बजे का, सब पहुंच गए 2 बजे, हम खुद 3 बजे जा रहे हैं। मतलब हमने जहाँ जो बुकिंग की हुई थी पूरी, उसका खुद फोन आ रहा है कि भैया आप तो आ जाओ, आपके सब लोग आ लिए। इवन जो हमारी मॉडल थी उन्होंने मैसेज डाल दिया कि मतलब सबसे पहले जिसे सबसे लेट आना था ना, जो फीमेल मॉडल है
थोड़ा सा ही शूट था उनका, उसका तो मतलब एक मिनट का शूट होगा, वो सबसे पहले चली गई और 2 बजे आके मैसेज भी कर दिया मॉडल से, अपने मैनेजर से कॉल भी करवा दिया। हाँ, और हम मतलब हमारा जो सबसे लंबा शूट है, मतलब हमारी तो जिम्मेदारी है कहना जिनके घर में ब्याह है वे आराम से जाने लग रहे हैं। बल्कि मैं तो वीर के आने के बाद तो मैं उठा ब्रश किया मैंने, अगर ये ना आए तो मैं सच बता रहा मैं हर जगह तो मैं रात ही कर दूं हर जगह आने जाने में। हर और मेरे आने के बाद तैयार होते हैं और साथ में टीम भी इनके बाद में आती है पूरी, और मैं 2 जने आए अभी भी हम 2 जने आए, वो तो दूसरी गाड़ी आ गई, नहीं तो हम तो और लेट जाते। फिर मैं इसे कहने लगा वीर को, मैंने भाई मैं वही नहा दोगे तैयार हो जाऊंगा चली ले रहे, नहीं तो अगला आदमी सोचा है कि भाई बेवकूफी बना दिया तेरा। पर क्या उन्हें तो क्या दिक्कत है भाई, वो तो पूरे दिन भी खाली बैठ के चले जाएंगे, नुकसान तो हमारा उल्टा। और ये देखो तुम्हें नोएडा की एक दूसरी साइड दिखाता हूँ। वैसे तो योगी जी ने हमें ये सब दिखाने को मना किया हुआ, पर कोई नहीं, आजकल जरा मैं खिलाफ चल रहा, इस बार पेमेंट नहीं आई ना, तो इस बार मुझे 2 रुपए पर ट्वीट मिले नहीं, तो ये लो नोएडा देखो। ये अभी इंटर्नशिप में नया लड़का, देखिए अपना चेहरा देखिए भाई कुछ, ये मच्छरदानी हटा रहे हैं यहाँ पे लोकेशन पे। करो अच्छे से करो, सिलवटे भी लगा देना भाई, कपड़े पड़े हैं। हाँ भाई वो कपड़े जरा ध्यान से कुछ, लाइट का जरा मुझे हेल्दी फूड दो कहीं मेरा पेट बाहर ना आ जाए। भाई ये मेरी सैलरी को ले आए भाई। ये महीने के बीच में क्यों दे रहे यार, बहुत गंदा फ्रेम आ गया, गंदा फ्रेम आ रहा। बड़े भाई कैसे लग रहा हूँ मेकअप में, मैं हूँ इतना गोरा है कि मेरे पे पता ही नहीं चलता मेकअप हुआ है कि नहीं। अभिषेक के साइड में देखो थोड़ा काला है ना इसका रंग, अभिषेक कहीं ना कहीं टक्कर तो दे रहा है तेरा, अभिषेक झूठ बोल रहे हो बड़े भाई। अरे भाई रील भी तो एडिट कराने से, झूठ तो बोलना चाहिए। तो अभी अभिषेक को मैंने थोड़ा यूँ कह दिया था सीरियस होकर शूट करियो, तो जो बेचारी लड़की आई हुई उसको कम से कम 150 रिटेक करवा दी जब तक मेरा मेकअप हो। वो भी ऐसे मॉडल रोड लगी थी कि फेस ढीले होने में जा रही है, ये ऊपर आके शूट कर रहा, यही प्रोफेशनल शूट दिखा। ये भाई क्या कह लिया, दिखा दे एक बार मुझे दिखा दे मामा, पहली बार इतना हाई प्रोडक्शन शूट चल रहा कि बार बार लोकेशन के बाद लाइटें चेंज हो रही हैं, अलग अलग लोकेशन पे लग रही है। जब से हम क्रिएटर्स मेला में आए हैं मेरी लाइफ बदल चुकी है। वीर भाई अगर डील 10 रुपए में कर रहे हैं ना, तो 9 तो खर्च रहे हैं हमारे ऊपर उल्टा। बस यही फर्क है बाकियों में, क्रिएटर्स मेला में है। क्रिएटर्स मेला जी हाँ, क्रिएटर्स मेला रेडी। देखो भाई ये देखो, एडिटर डायरेक्टर बने हुए हैं, क्यों क्रिएटर्स मेला है। ये आज आपने नचोती बोतल चेंज करी है, बस बता देते हैं। सोर्या ने खोली होगी, नहीं सोर्या भाई वही है, तुम्हारी जात कौन सी है भाई। सही से खाना वाना भी बन रहा है भाई, अभी शूट में क्या होगा, बरसात वरसा अगर आ गई। व्हाइट सॉस पास्ता खा लो, और क्या खाना। सोर्या बेचारा आज सुबह से भूखा, मैंने जब भी देखा सोर्या जब भी कोई इवेंट वगैरह में जाता है, सबसे ज्यादा लंका तेरी लगती है, मेहनत भी तू करता है और भूखा भी तू रहता है। मैंने 2 चक्कर मारे घर के, किसी को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं। एक बार खाली तेल लेने के लिए गया था, वो तेल भी कहाँ है। मैं सोच रहा था कहना चाहूँगा, सोच रहा भी कह रहा था भूख लग रही है, तो अभी हम सीन में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि खाना बनवा ही लें और फिर इन जैसे लोगों की भूख मिट जाए। ये जिंदगी में हमारे बड़े बस किसी इंडियन लड़की शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए इंतजाम करवाया। बजट खत्म हो गया भाई, क्या खा रहे हो। खा तो मैं कर रहा है, बैटरी धरती पे डाउन टाउन। ये कौन है भाई, अस अस अस, ये इतना पैसे वाला कौन आ गया हमारे लिए, शोर रह रहे इतने चौंचले बाजी, बाकी ये उड़ गया यहां। हां भाई तो बड़े भाई क्या बोल रहे थे आप, अब बताना एक बार। ये भाई क्या कह रहे थे, फोटो देंगे सर। नहीं भाई अच्छा फोटो खींचते हो, शोर रहे भाई। अरे रहन दे, ये एयरबीएनबी हमने कल तक के लिए बुक किया हुआ, शूट हमारा खत्म हो गया और अब बड़े भाई यूं कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ वो करूंगा अपनी एक रील शूट करके यहाँ से निकल जाऊंगा अपना, फिर चल ले फटाफट। बड़े भाई ऐसे हो गए मतलब बिल्कुल, अब तो यूं मानता भी नहीं कोई, सेल्फिश कह भी देगा, नु कहता है मैं तो हूँ मतलब भाई, मेरी कैप लगाई हुई ना, बस ठीक है हाँ ठीक है ढूंढ रहा था मैं, नहीं सकता फोन कैमरा का बुझरा सारी चीजें। भाई पानी भी दिया इन्होंने या नहीं, कहाँ जा रहा, कहीं ना भाई मुझे अकेले को डर लगे भाई, पैकिंग पुकिंग हो तो भाई देखे हैं, कुछ रह जाएगा तो बस रह ही जाएगा और क्या। लेकिन पहली बार हमने इतना लंबा शूट पहली बार किया, मतलब इस वीडियो के लिए कर रहे हैं बहुत लंबा शूट, जब तुम ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। ये भी एंड द शूट, वैसे भी हम वीडियो के बाद ही डाल लेंगे, तो बता दियो ही कैसी लगी। मुझे लगता है कि अब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया, अब काम ज्यादा बढ़ रहा है, एडिटिंग के ऊपर है अब तेरी, बस अगर तुमने एडिटिंग खराब कर दी तो खेल खत्म।